हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म स्पेस स्वीपर्स के रिव्यू के बारे में। स्पेस स्वीपर्स ये एक स्पेस ड्रामा एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे 5 फेब को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है जो संग ही ने और फिल्म की कास्ट में है सॉन्ग जुंग की, किम टाइरी, रिचर्ड आर्मिटेज एंड चिन सॉन्ग क्यू। कहानी फोकस करती है विक्ट्री स्पेसशिप के मेंबर्स टाइहो और उसकी टीम पर, जिनका काम है स्पेस में फैले हुए कचरे को साफ करना, जिसे बेचकर वो पैसे भी कमाते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टाइहो और उसकी टीम को कचरे में छुपी हुई एक एंड्रॉइड बच्ची मिलती है, जिसके बाद फिल्म में आगे क्या कुछ होता है वही सब जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा, जिसका नाम है स्पेस स्वीपर्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो लोग भी स्पेस ड्रामा एक्शन एडवेंचर कोरियन फिल्म्स देखना पसंद करते हैं तो उनके लिए नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज की गई ये एक काफी अच्छी और एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है, इसीलिए आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। जिसका रीजन है फिल्म का डायरेक्शन, जो बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि स्पेस के जो भी सीन्स हमें फिल्म में देखने को मिलते हैं वो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं, क्योंकि डायरेक्शन के साथ साथ फिल्म का VFX वर्क भी काफी बढ़िया है, जो इस फिल्म को डायरेक्शन के मामले में बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनाते हैं। वहीं बात करूं एक्टिंग की तो फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है, जो आपको पसंद आई, सिवाय विलन के कैरेक्टर को छोड़कर जिसकी एक्टिंग से लेकर कैरेक्टर तक फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं है। वहीं बात करूं BGM की तो फिल्म का BGM अच्छा है, जो हर एक सीन पर परफेक्ट सूट करता है। वहीं फिल्म के एक्शन सीन्स भी फिल्म के हिसाब से ठीक हैं, जो आपको पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फिल्म के वीक पॉइंट्स के बारे में, जो फिल्म में कई सारे हैं, जैसे फिल्म की एडिटिंग, जो बहुत नहीं बल्कि काफी बुरे तरीके से की गई है, क्योंकि फिल्म की लेंथ ऑलमोस्ट 2 घंटे और 17 मिनट की है, जिसमें ये फिल्म हमें बहुत ही ज्यादा बोर करती है, और इसका रीजन है फिल्म का प्लॉट, जो पुराना होने के साथ साथ प्रेडिक्टेबल भी है। सीधा सीधा कहूँ तो स्टोरी के मामले में ये फिल्म कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं करती, इसीलिए फिल्म में कब क्या होगा और फिल्म का एंड किस तरीके से होगा ये हमें पहले से ही पता होता है, और अगेन फिल्म की लेंथ जो हमें बोर करने का काम करती है। और तो और कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट भी फिल्म में इतने ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं की गई है, क्योंकि फिल्म का हर एक कैरेक्टर आपको पसंद आता है पर उनसे हम बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाते, इसीलिए कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी ये फिल्म इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है। तो ओवरऑल कई सारे वीक पॉइंट्स होने के बाद भी ये फिल्म अपने डायरेक्शन और एक्टर्स की एक्टिंग की वजह से एक वन टाइम वॉच फिल्म बनती है, जिसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ काफी आराम से देख सकते हो। फिल्म स्पेस स्वीपर्स को मैं दूंगा 3 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था फिल्म स्पेस स्वीपर्स को लेकर मेरा रिव्यू, पर अगर आपने ये फिल्म पहले से ही देख रखी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।